इंजीनियर रशीद का एक और बेतुका बयान सामने आया है, जिसमें इंजीनियर रशीद ने कश्मीर को भारत का हिस्सा मानने से ही इनकार कर दिया है। दरअसल श्रीनगर में बुधवार को अवामी इतिबाद पार्टी द्वारा जम्मू कश्मीर का ध्वजारोपण समारोह मनाया गया, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं समेत इंजीनियर रशीद ने भी हिस्सा लिया। लेकिन इस समारोह के दौरान इंजीनियर रशीद फिर से बेतुके बयान देने से बाज नहीं आए। रशीद ने जम्मू कश्मीर के झंडे का हवाला देते हुए कहा कि अगर जम्मू कश्मीर का झंडा अलग है तो फिर जम्मू कश्मीर भी भारत का हिस्सा नहीं माना जाएगा। आप खुद ही सुनिए। आज ही असेंबली ने वो तारीख सात दिन था जब ये पास हुआ कि हमारा अपना जो झंडा है इसको हिंदुस्तान के कौमी झंडे के बराबर इसकी अहमियत है और इसी तरीके से हमारा अपना तराना है लहराए कश्मीर के झंडे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो आपको मालूम है कि जो बीजेपी का एक विधान एक प्रधान एक निशान का नारा है, जो उनकी मंजिल है कि हम 98 और 370 को खत्म करेंगे, हमें उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो चीज़ हमारे पास है हम उसको प्रिजर्व करेंगे। मंजिल हमारी रायशुमारी है, आर पार रायशुमारी से कम हमें कोई चीज़ तस्लीम नहीं। लेकिन जब तक रायशुमारी नहीं होती तब तक हिंदुस्तानी विफाक के अंदर जो भी चीज़ें हमारे पास हैं हम उनके तहफ़ के वादा बने। इंजीनियर रशीद के इस बेतुके बयान से देशद्रोह की बू आ रही है। तो अब बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर रशीद साहब जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते तो उन्होंने क्यों विधायक पद के शपथ ग्रहण में विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान की गोपनीयता की शपथ ली। साथ ही ये भी बड़ा सवाल है कि क्या इंजीनियर रशीद अपने भारतीय पासपोर्ट के साथ साथ भारत की नागरिकता रद्द करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, वक्त इंडिया।